जय हिंद साथियों। साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने SSC CHSL 10+2 की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए अगर आपने भाई फार्म अप्लाई किया था तो अब जो है आप एडमिट कार्ड का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्त जो है SSC फेज 12 की जो वैकेंसी थी उसका भी एडमिट कार्ड जारी हो गया है और SSC CPU का भी जो है एडमिट कार्ड जारी हो गया है। अब बात करते हैं SSC CHSL का कब एडमिट कार्ड जारी होगा और आपको किस प्रकार से चेक करना है कि आपका एडमिट कार्ड किस प्रकार से चेक करना है, कि आपका कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताने वाले हैं और किस डेट को जारी होगा ये भी आपको बताने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मोबाइल स्क्रीन में आना है, गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है, उसके बाद आपको जो है किसी भी गूगल क्रोम ब्राउजर में SSC डाल के सर्च कर लेना है भाई। जैसे ही SSC डाल के सर्च करोगे भाई ना, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ही ऑप्शन दिखाई देगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो SSC की ऑफिशियल साइट पर आपको ले जाएगा, जहाँ से आप SSC की कोई भी वैकेंसी होती है वहाँ से आप उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे आसानी से। तो यहाँ आने के बाद आपको जो है यहाँ एडमिट कार्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर में, तो एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे भाई ना, तो आपको जो है एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ से इंडिया में जितने भी रीजन होते हैं उन सभी का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले कर्नाटका रीजन का, केरल और कर्नाटका रीजन का जारी किया जाता है, तो इस पर क्लिक करके चेक करोगे तो सबसे पहले जो एडमिट कार्ड जारी होता है SSC का जो है कर्नाटका और केरल रीजन का ही जारी किया जाता है। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आया भाई, SSC CHSL से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आया है। यहाँ पर SSC CPU और SSC फेज 12 की जो वैकेंसी थी उसका जो है एडमिट कार्ड फाइनली जारी हो गया है भाई। अब जो है आपका एडमिट कार्ड किस डेट को जारी होगा और आपको किस प्रकार चेक करना है यहाँ पर हमने बता दिया। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार से चेक करना है, क्योंकि दोस्त बहुत सारे वीडियो आप देखते हो और आप कमेंट करते हो कि अभी तक जारी नहीं हुआ, फेक वीडियो है, तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो कि कब जारी होगा। तो आप बात करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड फाइनली कब जारी होगा, किस डेट को जारी होगा, इसका एग्जाम डेट क्या है और कब जारी होगा, और जो है आप आसानी से, जिससे कि आप आसानी से घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अपना चेकआउट करते रहना है। जैसे ही जारी होता है तो आपको जो है आसानी से यहाँ पर आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड और आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम जो चलने वाला है वो 1 जुलाई से 1 जुलाई से जो है 20 जुलाई के बीच में चलने वाला है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो है गाइज, यहाँ पर 1 जुलाई से जो है 12 जुलाई तक आपका एग्जाम चलने वाला है। तो आपका जो है एग्जाम से 2 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड स्टेटस जो है जारी कर दिया जाएगा। आप एडमिट कार्ड स्टेटस जो है 25 जून के बाद आप आसानी से देख पाएंगे, जिससे कि आप आसानी से हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहोगे। तो आपको हम जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले वीडियो बना के आपको बताएंगे भाई, और आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अपना एडमिट कार्ड स्टेटस चेक कर पाओगे और आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो है एग्जाम के फोर